नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं नवरात्रों के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की अलग अलग प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई श्रद्धा है, इच्छा है, आप इस बार नवरात्र का पूजन करें, क्योंकि इस बार की नवरात्रि बेहद खास है। और इस बार की नवरात्रि अपने आप में खास इसलिए भी बन गई है क्योंकि इस बार 9 दिन की नवरात्रि होने जा रही है। तो कैसे पूजा करना है, किस प्रकार से कलश स्थापना करें, आज माता रानी को कैसे प्रसन्न करें, क्या करें क्या ना करें, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश विदेश के जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जय माता दी। जी, तो नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। माता रानी हर किसी के घर में, मंदिरों में पधार रही है। तो नवरात्र का आज पावन अवसर का पहला दिन है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर आज आचार्य जी से जानेंगे कि ये शारदीय नवरात्र किस प्रकार से खास है और आज के दिन आप क्या करें क्या ना करें, किस प्रकार से कलश स्थापना करें। आचार्य जी, तो नवरात्र पावन अवसर की शुरुआत हो चुकी है, शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है ये आपसे जानना चाहेंगे। जी पूजा जी, सबसे पहले देश के सभी दर्शकों को और R9 TV के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने शंखनाद से शुभारंभ किया, शंख बाजे बला भागे 33 कोटि के देवता जागे, इसलिए शंखनाद से हमने शुभारंभ किया। शारदीय नवरात्र की हम आज चर्चा करेंगे। अगर हम नवरात्रि की बात करते हैं तो 4 नवरात्रि होती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो है वह दृश्य नवरात्रि होती है। सामान्य जनों के जीवन में 2 दृश्य नवरात्रि का ही विशेष महिमा बताई गई है, जिसमें शारदीय नवरात्रि और बासंती नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, जबकि बासंती नवरात्रि जो है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। अगर हम शारदीय नवरात्रि की बात करते हैं तो इस बार क्या है खास, यह बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। माता का आगमन हस्ती नक्षत्र जो है पहला दिन पड़ रहा है। आज के दिन हस्ती नक्षत्र का विशेष महत्व है। हस्ती नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो है वह चंद्रमा है और माता का आगमन जो है वह गजराज हाथी पर सवारी होकर के माता आ रही हैं और माता का जो गमन है वह घोड़े पर होकर के गमन हो रहा है माता का। यह शुभता का संकेत नहीं है, यह युद्ध का संकेत दिखाता है। हाथी और घोड़े का हाथी के साथ आना और घोड़े के साथ जाना यह शुभता का संकेत नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ माँ भगवती की कृपा हो तो सब कुछ शुभ होगा। पहले दिवस पूजा का विशेष महत्व है कलश स्थापना का। कलश स्थापना का विशेष शुभ मुहूर्त में होना ही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका नींव देखा जाता है और कलश स्थापना एक तरह से नींव है शारदीय नवरात्रि की। अगर हम नवरात्रि 29 तारीख की चर्चा करें, 29 सितंबर 2019 को शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि प्रतिपदा शुक्ल आश्विन मास के शुक्ल प्रतिपदा पहली तिथि है। अगर हम प्रातः काल चर्चा करते हैं, चार का चौघड़िया का हम देखते हैं, जिसमें कलश स्थापन का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 7:45 से चार की चौघड़िया है, इसके बाद लाभ की चौघड़िया प्रारंभ होती है। लाभ की चौघड़िया के बाद अमृत की चौघड़िया प्रारंभ होती है और यह नवरात्रि इसलिए ज़्यादा शुभ है क्योंकि इसमें 4 सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहे हैं। अमृत योग से शुरुआत हो रहा है नवरात्रि की। अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापन लोग करते हैं, 11:48 से 12:20-22 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त का महत्व है। नवरात्रि के कलश स्थापना शुभ समय पर हो, माता के लिए क्षेत्रीय जय जमाते हैं लोग, 9 दिवस तक उस जय की पूजा करते हैं। जैसे जैसे जय बढ़ता है वैसे वैसे लगता है माता की कृपा की विशेष अनुकंपा हो रही है। जहां आप कलश स्थापन करते हैं वहां पर 9 दिन तक अनवरत रूप से अखंड ज्योत का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि माता की शक्ति ज्योति में है। ज्योति से माता ने पूरी ब्रह्मांड का निर्माण किया था, इसलिए ज्योति का हम
निर्माण करते हैं, ज्योति जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, 9 दिवस तक उसकी हम सेवा करते हैं। कलश स्थापन से पहले जो पूजा का प्रारंभ है उसमें पूरी तरह से हम शुद्धता से गंगा जल से अपने मंदिर में जल को छिड़क लेते हैं, स्नान सभी देवी देवताओं को हम करा लेते हैं। इसके बाद हम संकल्प लेते हैं, संकल्प जो है वह पूर्णता से होनी चाहिए। संकल्प के समय हाथ में जो है चावल होना चाहिए, सुपारी होना चाहिए, पान का पत्ता होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए, और विशेष रूप से अपने घर में जब संकल्प लें तो संकल्प के समय घर में पूरी तरह से शांति हो, शांति काल में संकल्प को लें। संकल्प लेने के बाद 9 ग्रह, 10 दिशा, 10 दिक्पाल, 5 देवता की विशेष रूप से पूजा करें। इसके बाद कलश स्थापन का पूर्णता से पूजा होगी। कलश स्थापन में इंद्रदेव को आवाहन किया जाता है, जल में इंद्रदेव को आवाहन करके उनके विधिवत तरीके से पूजन होता है। माता का फिर हम आवाहन करते हैं, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का हम पूजन करते हैं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व है। नवरात्रि में उपवास का विशेष महत्व है। उपवास में आप फलाहार कर सकते हैं, अन्नाहार नहीं बल्कि जल आहार कर सकते हैं, आप दुग्धाहार कर सकते हैं। अन्नाहार का त्याग करना चाहिए। पहले दिवस कम से कम जो 9 दिन अगर किसी से नहीं बन सकता तो पहले दिवस अन्न का आहार का त्याग करना चाहिए, और अगर बन सके तो 9 दिन तक माता के लिए फलाहार करें। नवरात्रि बहुत शुभ होगी। नवरात्रि में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपका अर्गला कील कवच पाठ से भी पहले शापोद्वार है, शापोद्वार का पूजा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र शापित मंत्र हैं, इसलिए हम शापोद्वार की विशेष रूप से पूजा करते हैं। फिर हम अर्गला कील कवच का पाठ करते हैं, 13 अध्याय का पाठ करते हैं। इसके बाद हम नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, जो कामना रखते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि में हम नवार्ण मंत्र का जप करते हैं। अलग अलग मंत्र हैं, उस मंत्र का जप करने से माता जो है विशेष रूप से कृपा करती है। जी बिल्कुल, तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, और आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आचार्य जी, कहा जाता है कि माता रानी के 9 स्वरूप की अपनी अपनी अलग अलग किस्से कहानियां हैं, अलग अलग महानता है। तो बात करें पहले दिन की, आज पहला दिन है, माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, तो माता शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है, इनकी पूजा अर्चना कैसे की जाए? देखिए, अगर हम बात करते हैं देवी भागवती पुराण के आधार पर या दुर्गा सप्तशती को पाठ करते हैं तो कहा जाता है प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चन घटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचकन पंचम अस्कन मातेति षष्ठ कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। माता के 9 रूपों की 9 प्रकृति की पूजा इस नवरात्रि में की जाती है। प्रथम शैलपुत्री च, जब हम कलश स्थापन का पूजन कर लेते हैं फिर माता हम शैलपुत्री को पूजन करते हैं। शैलपुत्री माता के बारे में हम जान लें कि शैलपुत्री कौन है। माँ शैलपुत्री माँ पार्वती हैं, जिन्हें हेमवती भी कहा जाता है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। माता शैलपुत्री को सबसे हिमालय की पुत्री हैं। वह नवरात्रि के समय पृथ्वी पर आती हैं, भक्तों को दर्शन देती हैं, भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए अपनी मायके आती हैं। इस 9 दिवसों में माता शैलपुत्री मायके आती हैं, और हिमालय की पुत्री होने के कारण उसे हिमपुत्री भी कहते हैं, हेमवती भी कहते हैं। माता शैलपुत्री बहुत ही सौम्य दिखती हैं, अष्टभुजाधारी हैं माता। माता जो है विशेष रूप से श्रृंगार प्रिय हैं, माता को श्रृंगार पसंद है, इसलिए जो सुहागिन महिलाएँ अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं, जो जिनके 9 विवाहित जोड़े साथ में अगर माता का श्रृंगार करें, माता का विशेष रूप से जो पुरुष हैं वह भोग लगाएं, और स्त्रियां जो हैं वह माता के श्रृंगार के सामान को मूर्ति पर विशेष मंत्रों से स्थापित करें, तो माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, शैल मतलब पर्वत, पर्वतराज हिमालय, उनकी ये पुत्री हैं, और उनकी पूजा का विशेष रूप से विधान है। ओम शैलपुत्री नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह के महामंत्र से माता शैलपुत्री को हम नमन करते हैं। माता
सब कुछ देने वाली हैं। माता इसमें कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ये सब तरह की सिद्धियां माता देती हैं। स्कंद माता की अगर हम बात करते हैं तो कार्तिकेय भगवान की माता हैं, कार्तिकेय जी को भी स्कंद माता कहा गया है। एक बार कार्तिकेय जी का युद्ध इंद्रदेव से हो रहा था और कार्तिकेय जी जब परेशान होने लगे, हारने लगे, तो माता जो है वह तुरंत प्रकट होकर के स्कंद कुमार को अपने गोद में बिठा ली। माता को जो चार भुजा रूपी है जिसमें दो हाथ में कमल है, एक हाथ में स्कंद कुमार बैठे हुए हैं और एक हाथ के द्वारा माता आशीर्वाद दे रही है, वरद मुद्रा। तो स्कंद कुमार की माता होने के कारण उनको स्कंद माता कहा गया। उनकी भी पूजा का विशेष महत्व है कि जो भी व्यक्ति पूजा करते हैं उनके कोई शत्रु उनको सामने नहीं टिकते। अगर हम माँ कात्यायनी की चर्चा करें तो माँ कात्यायनी की पूजा जिनकी शादी नहीं हो रही है वह शीघ्र विवाह के लिए भी माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। जिनकी विवाह हो गई हैं उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चले उसके लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। षष्ठ कात्यायनी छठे दिवस पर कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि में बहुत सारे शुभ चीज़ देखने को मिल रहे हैं। जैसे इस बार की नवरात्रि जो है वह पूर्ण नवरात्रि है। इसमें पहले होता था कि 8 दिन का या 10 दिन का, इस बार कोई 6 तिथि का नहीं है या कोई बढ़ती हुई तिथि नहीं है। इसलिए माता का पूजा का विशेष महत्व है कि 9 रूपों का आप 9 दिनों तक शुभता से आप पूजन कर सकते हैं। सबसे सुखद बात यह है कि इस नवरात्रि में पहले दिन जो है वह शुक्र का उदय हो रहा है, जबकि शुक्र अस्त थे। तो शुक्र का उदय होने के कारण भी विशेष रूप से जो धन की इच्छा रखते हैं उन्हें माता लक्ष्मी स्वरूपा धन प्राप्ति कराती हैं। इस बार का नवरात्रि इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस नवरात्रि में 2 बार सोमवार पड़ रहा है और सोमवार भगवान शिव का बहुत प्रिय दिवस है। और 2 बार सोमवार पड़ने के बाद 4 सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है, अमृत योग पड़ रहा है, लाभ का मुहूर्त पड़ रहा है। तो इन सब मायनों में इस बार की नवरात्रि विशेष शुभता की है। इस नवरात्रि में आप अपने घर में माता को आवाहन करके बुलाएं, घर में 9 दिन तक जोत जलाएं, घर में कोशिश करें कि अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो वह 9 दिवस तक मांस ना खाए। कुंवारी कन्याओं का पूजन, कंचक का पूजन 8वें दिन का विशेष रूप से विधान है। घर में 9 कुंवारी कन्याओं को, जो जिनकी आयु 10 से कम हो और 2 साल से ऊपर हो, उनको अपने घर में बुला करके उनके चरण धोएं, उनको तिलक लगाएं, उनको भोजन कराएं, उनको अपने श्रद्धा के अनुसार जितनी शक्ति हो वैसा दान दे करके उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। कंचक पूजन का विशेष विधान है। कंचक पूजन तभी सफल होगा जब आप बेटी बहुओं को, लड़कियों को सम्मान करोगे। तो मेरा एक संदेश है कि आप पर स्त्रियों के अंदर मातृत्व भाव देखें और पर लड़कियों के ऊपर अपना बेटी और बहन के, अपना परिवार का सदस्य समझें, उनकी शक्ति का रूप समझें, तो उनका सम्मान होगा। और कोशिश करें भ्रूण हत्या को बंद करें। लड़कियों की जो भ्रूण हत्या, लड़की अगर होती है तो लोग भ्रूण में ही मार देते हैं, ऐसा ना करें तो ये आपकी नवरात्रि बहुत ज़्यादा सफल होगी। आप चार जी, आपने बताया कि किस तरीके से इस बार की जो नवरात्रि है वो खास है, पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, आपने कहा कि उपवास का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, पहले दिन रखते हैं और आखिरी वाले दिन रखते हैं, तो इस बार जो आज लोग व्रत कर रहे हैं, पहले दिन जिनका व्रत है, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे वो व्रत करें, कैसे पूजा करें और कैसे इस पूजा का समापन भी करें? देखिए, सबसे पहले मैं माता का एक मंत्र बोलूँगा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। माता का जो दिव्य स्वरूप है, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी चीज़ की आकांक्षा करते हैं, किसी भी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, माता को आवाहन करें और संकल्प लें कि 9 दिन तक जो है पूरी शुद्धता से, पूरे ब्रह्मचर्य तरीके से और पूरे मनयोग से, मन क्रम वचन से, तीनों तरह से अपने आप को संतुलित रखें। परिवार में कलह ना करें, पति पत्नी के बीच के संबंध में कलह ना करें। घर में अगर आपकी बेटियां हैं उनको किसी भी तरह का भला बुरा ना बोलें। आप कोशिश करें इस नवरात्रि में जो करना है, करना आपको क्या है, पहला दिवस आप उपवास कर लें, उपवास में फलाहार कर लें। अगर आप उपवास पूरा तरह से नहीं कर पाते हैं पूरे दिन तक, तो सायंकाल आप एक समय भोजन कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करके। अगर आप देखिए, कुछ जगह होता है कि लोग नवरात्रि में भी
रात्रि को भोजन कर लेते हैं सूर्य डूबने के बाद। तो अगर आप कोशिश करें, मेरा मानना है कि सूर्य उदय से ही पूरे दिवस का परिवर्तन होता है, तो आप पूरा दिन फलाहार करें, रात को ही फलाहार करें। अगर नहीं बन सकता है तो आप रात को अन्नहार कर सकते हैं दिन भर फलाहार करके। जब फलाहार में रहें तो पूरी तरह से दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जप करें। पहला दिवस जो है पूरी तरह से माता के लिए आप दे दें। अगर विद्यार्थी वर्ग जो अपने घर में नहीं रह सकते, जो ऑफिस वाले हैं ऑफिस में जाएंगे, वो जहाँ हैं वहीं पर दुर्गा सप्तशती के नवार्ण मंत्र का जप करें। 9 दिन तक जो गृहस्थ व्यक्ति माता का विशेष पूजन करते हैं 9 दिन तक फलाहार पर ही रहें और पूरी तरह से व्रत में रहें। कोशिश करें जमीन पर शयन करें, आप जो है पलंग पर ना शयन करें, जमीन पर शयन करें। साथ ही साथ 9 दिन तक कोशिश करें कि आपके घर में जो अखंड दीपक जल रहा है, जो ज्योत जल रही है, उसका ध्यान रखें, वो बुझने ना पाए। जी बिल्कुल, आपने अखंड ज्योति की बात की, तो इन नवरात्रों में अखंड ज्योति का क्या महत्व? देखिए, ज्योति माता भी जो है वह ज्योति स्वरूप है। माता जो है वह साक्षात शक्ति है। अग्नि जो है वह शक्ति का प्रतीक है। पंच तत्वों में एक अग्नि का विशेष महत्व है। यह शरीर अग्नि में ही लास्ट में चला जाना है। माता का उत्पत्ति जो है वह अग्नि स्वरूप ज्योति स्वरूप ही हुआ है, इसलिए हम मानते हैं माता का प्रतीक के रूप में मानते हैं अग्नि को, ज्वाला को, ज्योत को। इसलिए माँ ज्वाला देवी में 24 घंटा है अग्नि जलती रहती है। ऐसे सिद्ध होता है कि माता धरती पर हमेशा वास करती हैं। आप अपने घर में ज्योत जलाएं। पहले दिवस 2 दीपक जलाएं, एक तो अखंड ज्योत जलाएं और दूसरा जो है वह पूजन के लिए, जिसमें पंच देवता की पूजन करते हैं, 10 दिशा 10 दिक्पाल, कलश स्थापन, देवी का आवाहन, उसमें जो दीपक है वह कोशिश करें कि आप आटे का दीपक जलाएं, घी का दीपक, आटे का दीपक जलाएं, तो विशेष रूप से लाभकारी होगा। क्या नहीं करना है, मैंने बताया कि आपको अपने मन क्रम वचन से अशुद्ध नहीं काम करना है, अशुद्ध नहीं बोलना है। मांसाहार से कम दूर रहें, लोगों से झगड़ा लड़ाई ना करें, लोग किसी का मन को दुखित ना करें, इसको नहीं करना है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ जितना बन सके पाठ करें। जप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यह जो महामंत्र है इस मंत्र का विशेष रूप से जप करें। एक महालक्ष्मी की धन की प्राप्ति के लिए मैं 2 मंत्र दे रहा हूँ। एक षोडशी मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क ए इल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं, यह महामंत्र है, इससे विशेष धन की प्राप्ति होती है। त्रयाक्षर 3 अक्षरों का जो मंत्र है, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस दोनों मंत्र का विशेष रूप से अगर नवरात्रि में जप करते हैं माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप शत्रु से पीड़ित हैं, तो ओम ह्लीं बगलामुखी षड्दुष्टानां वाच्यं मुखं पद्म स्तंभय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा, इस महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित है तो महामृत्युंजय का मंत्र जप कर सकता है। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, इस तरह का महामंत्र का जप करें। 10 महाविद्या का मंत्र का जप करें। माँ धूमावती का ओम धुम धुम धूमावती स्वाहा, इस तरह के भी मंत्र का जप करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप 9 दिन तक जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करें। नवरात्रि जो है वह महारात्रि कहलाती है, कालरात्रि कहलाती है। रात्रि के समय में आरती जरूर करें, सायंकाल सूरज डूबने के बाद आरती जरूर करें, माता को आरती करें। अपने जो घर में कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, माता को श्रृंगार रोज चढ़ाएं, माता को श्रृंगार बहुत प्रिय है। भोग रोज जरूर लगाएं, किसी दिन आप पंचमेवा का भोग लगाएं, किसी दिन माता को खोए का हलवे का भोग लगाएं, किसी दिन जो है पंच फल का भोग लगाएं, किसी दिन खीर का, मखाना का खीर का भोग लगाएं। अलग अलग दिन अलग अलग तरह का माता को भोग लगाएं, माता को श्रृंगार कराएं, माता को नित्य साड़ी चढ़ाएं, जिससे जितना बन सके उतना जरूर करें, श्रृंगार करें। अखंड ज्योत जो है वो हमेशा जलता रहे 9 दिन तक। घर में जो है विशेष रूप से सुख शांति बने रहने के लिए घर में आपस में पारिवारिक कलेश ना हो, लड़ाई ना हो। नवरात्रि में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर घर में लड़ाई होती है तो उससे निगेटिविटी आती है, जिससे पारिवारिक उद्वेग होता है, वो सब नहीं हो। और जो भी पूजन शुरू करें वो चौघड़िया को देख करके चार शुभ लाभ और अमृत मुहूर्त में करें, तो विशेष रूप से यह नवरात्रि आपके लिए शुभ होगी।
नवरात्रि में माँ देवी आपके घर आएंगी तो आपको निश्चित तौर पर आपके मन वांछित फल को देंगी, इसमें तनिक भी संशय जी बिल्कुल। और कहा यह भी जाता है कि 9 दिनों में यदि आप सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा है, आप माता रानी से कुछ भी मांगना चाहते हैं तो माता रानी जरूर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। आचार्य जी ने आपको बताया कि कैसे कलश स्थापना करें, कैसे पूजा करें, और सबसे खास बात यह है कि जिसके अंदर जितना श्रद्धा हो, जिसके अंदर जितनी शक्ति हो, वो अपने उस हिसाब से ही करें। क्योंकि आचार्य जी ये देखा जाता है बहुत सारे लोग बीमार हैं, किसी भी बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है, फिर भी वो नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्रत करके बीमार हो जाते हैं। माँ नहीं कहती कि आप जो है व्रत करते करते बीमार हो जाओ। आपकी धारणा अच्छी होनी चाहिए, आपकी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए, श्रद्धा अधिक होनी चाहिए। आप व्रत करें, अगर बन सके फलाहार करें। हाँ, मैं एक चीज जरूर आपको इस जगह पर रोकूंगा कि आप क्या ना करें। जो आप व्रत के नाम पर जो देखा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में व्रत की थाली जा करके और भर पेट खा लेते हैं, जिसमें सामान्य दिन से भी ज़्यादा अधिक कैलोरी ले लेते हैं आप, 500 हज़ार 2000 की थाली लेकर के, और फलाहार के नाम से जो है 50 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, फिर आप चाहते हैं कि माता आपकी पूजा को पूर्णता स्वीकार के, वैसा नहीं होता। व्रत का मतलब होता है व्रत रखना, फलाहार का मतलब होता है अल्प आहार। ऐसा नहीं कि आप इतना खाना खा लें कि आपको सिर्फ नींद ही नींद आए और आप कोई पूजन ही ना करें। अल्पहार करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके अल्पहार करें। फल का आहार जो है वो भी अल्पहार करें, पूर्णतः फल ना खाएं, जूस पिएं, दुग्ध का पान करें, दूध पिएं, लेकिन इतना ना खाना खा लें कि आप पूजा ही ना कर पाएँ। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जिसमें माता का पाठ के समय शापोद्वार करना जरूरी है, अर्गला कील कवच का पाठ जरूरी है, 13 अध्याय का पाठ जरूरी है। अगर आप नहीं कर पाते, किसी सुयोग ब्राह्मण से अपने घर पर कलश स्थापन करके पाठ को कराएं। पूजा के अंत में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं एक और मंत्र बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जिसके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, वह झगड़ा नहीं होगा। धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटा त्रोटा दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा, खाम खिम खुम खेचरी तथा, साम सिम सु सप्तशती दिव्य मंत्र सिद्धि कुरु अश्वमे। ये महामंत्र है सिद्ध कुंजिका स्रोत का। सिद्ध कुंजिका स्रोत का आप पाठ करेंगे, आपके घर में क्लेश नहीं होगा। बहुत लोग तरक्की करते हैं लेकिन उनका तरक्की आधा समाप्त हो जाता है घर में क्लेश होने के कारण, पति पत्नी की वैचारिक जो है मन नहीं मिलने के कारण, या सब कुछ होने के बाद भी ग्रहों की अनुकूलता नहीं होती है। तो सिद्ध कुंजिका स्रोत के पाठ से ग्रहों की अनुकूलता होगी, आपस में वैचारिक मतभेद नहीं होगा। और किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले सभी लोगों का, पूरे परिवार के सभी सदस्यों का मन एक होना चाहिए, शुद्धता एक तरह होनी चाहिए। जी आचार्य जी, आपने हर अलग अलग माताओं के बारे में आपने बताया किसका क्या स्वरूप है, किन माता को क्या पसंद है ना नहीं पसंद है, पर आज स्पेशली हम माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की बात कर रहे हैं। तो लोग तो हर कोई चाहते हैं कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो पूजा पाठ करें, खत्म हो जाए, पर माता शैलपुत्री जी को मनाने के लिए या अपनी मुरादों को पूरी करवाने के लिए कैसे प्रसन्न किया जाए? देखिए, एक मंत्र है, सर्वा बाधा विधिर मुक्तो धन धान सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसाद न भविष्यति न संशय। यह महामाई का महामंत्र है। इस मंत्र का अगर जप करें, माता को पहले दिवस उड़हुल, लाल उड़हुल का फूल चढ़ाएं, माता को विशेष रूप से श्रृंगार करें, माता को चमेली का तेल चढ़ाएं, चमेली का तेल का दीपक जलाएं, घी का भी दीपक जलाएं, तो माता प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ माता को प्रसन्न करने के लिए अपने घर की महिलाओं को प्रसन्न करना जरूरी है। अपनी बेटियों को, बहनों को, माताओं को, दादी को, पत्नी को, घर की जितनी भी कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको प्रसन्न करना जरूरी है। जब वो प्रसन्न होंगी तो निश्चित तौर पर माता की कृपा होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जी बिल्कुल, कहा यह भी जाता है कि माता रानी को प्रसन्न करने के साथ साथ माता रानी आपको भी प्रसन्न करती है। कहा यह जाता है कि नवरात्रों के दिनों में यदि आप कुछ भी माता रानी से मांगते हैं तो माता रानी जरूर आपकी मुरादें पूरी की करती हैं। तभी लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं, और जिनसे 9 दिनों का व्रत नहीं हो पाता है वो प्रथम दिन और आखिरी दिन नवरात्र का व्रत रखते हैं और माता रानी से अपनी इच्छा, मन में जो भी होता है वो मांगते हैं। पर क्या माना जाए कि माता रानी सभी की मुरादें पूरी करती है?
ये सच्चे मन से मांगने से माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं। सिर्फ मनुष्य की नहीं बल्कि जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर गंधर्व यक्ष देवी देवता देवी देवताओं की भी देवी देवताओं ने भी माता की स्तुति की है, क्योंकि देवी देवताओं की उत्पत्ति भी माता से ही हुई है। इसलिए माता सब पर प्रसन्न होती हैं। बस प्रसन्न करने का तरीका सबका अलग होता है। राक्षसी स्वभाव को ना अपनाएं, सात्विक और दैविक स्वभाव को अपनाने से माता प्रसन्न होती हैं, इसमें तरह की विशंसा नहीं। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि माँ भगवती की पूजा करें, अपने माँ की पूजा करें, अपने घर की कन्याओं की पूजा करें, अपने घर की स्त्रियों की पूजा करें, भ्रूण हत्या को बंद करें और समाज में नारी का सम्मान करना शुरू करें। अपने घर से शुरू करें और जितनी भी दुनिया की नारियां हैं वो आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, ऐसा आप मानेंगे तो नारी समाज का सम्मान होगा। और जब नारी समाज का सम्मान होगा तो ऐसे ही देवी की कृपा होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, सारी पूजा की विधि बताई, स्टूडियो में आया वक्त निकाल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। दर्शकों सुना आपने आचार्य जी से कि कैसे इस बार की नवरात्रि को खास बनाए, कैसे पूजा अर्चना करें। तो आप भी इस बार की नवरात्रि में कलश स्थापना करें। कैसे करना है, क्या करना है, वो आपने आचार्य जी से सुना। इस बार की नवरात्रि में आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई जवाब है, तो हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल लेकर हम रोज़ हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।